मेरा मानना है कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक कि जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, दूसरा जिम्मेदारी उठाओ वो कर गुजरने की, परिस्थितियां बदलने की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे फंगस के बारे में, फंगस से होने वाली डिजीज के बारे में जो कि हमारा एग्जाम में आता है। देखिए एक क्वेश्चन बनता है, या तो आपका वायरस से होने वाली डिजीज पूछेगा, या उससे इफेक्टेड अंग पूछेगा, या आपका क्या पूछेगा बैक्टीरिया से होने वाले, फंगस से होने वाले और लास्ट हमारा जो बचता है प्रोटोजोआ। अगर ये चारों आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है कंफर्म क्या है, साइंस के क्वेश्चन एक दो बनेंगे ही बनेंगे पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं, फफूंद यानी फंगस द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं बॉडी में उसके बारे में हम देखेंगे। पहला हमारा कौन सी बीमारी है, दमा, जिसको हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए अस्थमा, अच्छा दमा है क्या, इसमें जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, इसमें जो ये वाले फंगस हैं, ये फंगस जाकर हमारी बॉडी में जो फेफड़े हैं वहां पर क्या करते हैं, एक वेब यानी जाल बना लेते हैं, तो जिसे हमारे फेफड़े के जो कार्य होते हैं पूरा प्रभावी तरीके से नहीं कर पाते हैं। अच्छा अब प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं कहाँ होता है, हमारे फेफड़े से ही तो होता है। तो दमा जो बीमारी होती है किस फंगस की वजह से होती है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक की हमारे क्या है फंगस है जिनकी वजह से दमा रोग या अस्थमा रोग होता है। अगला हम बात करेंगे एथलीट फूट। अब सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एथलीट फूट होता क्या है। देखिए एथलीट फूट जो होता है ये हमारे पैरों की जो त्वचा होती है इसमें क्या ये कटने और फटने लगते हैं, किस वजह से, ये जो टीनिया पेडिस नामक हमारा क्या है फंगस है, जिस वजह से इसकी वजह से क्या करते हैं ये हमारा एथलीट फूट हो जाता है और पैरों के जो त्वचा होते हैं वो कटने और फटने लगते हैं। अगला हम बात करेंगे खाज का। देखिए खाज को इंग्लिश में स्कैबीज भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे स्किन्स में क्या होती है खुजलाहट होती है, जिसकी वजह से जगह जगह आप देखेंगे चकते पड़ जाते होंगे बॉडी में। तो इसके लिए कौन सा हमारा रहता है फंगस, एकरस स्कैबीज करके हमारा इसमें फंगस रहता है, जिस वजह से ये बीमारी लोगों में हो जाती है। अगला बात करेंगे बेहद ही कॉमन इंडिया में मोस्ट पॉपुलर मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम है गंजापन। गंजापन को इंग्लिश बोलते हैं बाल्डनेस। इसमें देखिए जो बीमारी जो फंगस होता है कौन सा हमारा है टीनिया कैपिटिस करके जो हमारा एक फंगस है, जिस वजह से क्या होता है लोगों में गंजापन यानी बाल्डनेस डिजीज होता है। अच्छा आप क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा जो बीमारी है जो फंगस की वजह से होता है, तो आपका अलग अलग दे देगा उसमें से एक गंजापन डाल देगा, या इसमें से एक क्वेश्चन और कर, देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन मत तैयार करिए, क्वेश्चन के पैटर्न को पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए कि एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है। अब देखिए अगर यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, अब देखिए इसमें से कोई चार है ना, इसमें से एक गायब कर देगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से कौन सा फफूंद द्वारा होने वाला रोग नहीं है, तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा ये सब याद करना पड़ेगा, जिस वजह से आप फाइंड आउट कर पाओगे, निकाल पाओगे, पता कर पाओगे कि क्या है ये फंगस द्वारा होने वाली बीमारी नहीं है। तो लास्ट हम बात करेंगे दांत। दांत को इंग्लिश में रिंग वार्म बोलते हैं, और ये जो इसके लिए जो हमारा फंगस जो लायबल है जिम्मेदार है कौन है, वो ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम करके हमारा एक फंगस है जिस वजह से लोगों में दांत होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। चलिए आज इसी के साथ हम अपना वो प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ जो बीमारियां हैं उसको भी खत्म ही कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परजीवी द्वारा होने वाले रोग के बारे में, इसको भी आज खत्म कर लेते हैं साथ ही में, ताकि हम कल क्या करेंगे वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ और फंगस द्वारा होने वाले जो रोग से रिलेटेड क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के उनको हम कल पूरा का पूरा उनका निपटारा कर ही देंगे। चलिए बात करते हैं पहले मलेरिया। देखिए मलेरिया जो है रोग, ये इसमें प्रभावित हमारा अंग कौन कौन सा रहता है, तिल्ली। देखिए तिल्ली को स्प्लीन बोलते हैं, और ये इससे और तिल्ली और आरबीसी जो हमारा होता है ब्लड, ये दोनों हमारे क्या होते हैं प्रभावित अंग होते हैं। ये किसके द्वारा, मलेरिया द्वारा, जो हमारे मतलब ये जो वाहक मच्छर मादा एनोफिलीज है इससे। तो चलिए दोस्तों हम खत्म कर लेते हैं आज अपना परजीवी द्वारा होने वाले जो रोग है हमारे, इनको हम फंगस के साथ ही में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें कल क्वेश्चन करना है वायरस बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ फंगस द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम कल उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, कल उनको खत्म कर लेंगे। देखिए जो पहली बीमारी हमारी है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया में जो हमारा प्रभावित अंग क्या होता है, तिल्ली, यानी तिल्ली को देखिए वो
ऊन बीनने वाली नहीं है, यहाँ पर ये जो तिल्ली है स्प्लीन हमारे बॉडी का पार्ट जो है वो है, पैनक्रियास के ऊपर पाया जाता है। और दूसरा क्या है, आरबीसी, यानी तो इससे हमारा मलेरिया में प्रभावित अंग अगर पेपर में आता है आप क्या लिखेंगे, तिल्ली और आरबीसी अगर पेपर में आता है। इसमें जो हमारा परजीवी रहेगा वो कौन सा परजीवी है, प्लाज्मोडियम। अच्छा, इसमें वाहक मच्छर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मादा एनिफिलीज मच्छर है जो मलेरिया में वाहक मच्छर होता है, मादा एनिफिलीज याद रखिएगा। दूसरा हम बात करेंगे बीमारी जो हमारी पायरिया है, पायरिया में हमारा प्रभावित जो अंग होता है मसूड़े होते हैं, मसूड़े अगर हमारे देखिए पीले पीले पड़ जाते हैं, पूरा पीलापन आ जाता है, तो इसमें हमारा वो पायरिया रोग होता है। अच्छा, इसमें परजीवी कौन सा होता है, एंटी अमीबा जिंजिवेलिस करके रहता है। अच्छा, इसमें महक मच्छर नहीं होते हैं। अगला हम बात करेंगे सोने की बीमारी, मतलब ऐसे जिसको हो जाता है ये प्रोटोजोआ इसमें, तो इसको बहुत बार बार बहुत ज्यादा नींद लगती है। इसमें हमारा प्रभावित अंग क्या रहता है, मस्तिष्क। और इसमें जो हमारा हमारा परजीवी है क्या है, ट्रिपेनोसोमा करके परजीवी है, जिसके कारण क्या होता है, सोने की बीमारी जो रोग है वो हो जाती है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या है, किसमें कौन सी मक्खी है, सीसी मक्खी इंपॉर्टेंट होती है, ये इसमें क्या होता है, वाहक मच्छर होता है, किसमें, सोने की बीमारी जो रोग है उसमें, प्रभावित अंग क्या है, मस्तिष्क। अगला बात करेंगे पेचिस, मोस्ट जो कॉमन बीमारी है, इसमें हम बात करेंगे हमारा प्रभावित अंग जो होता है वो क्या होता है, आंत होता है। देखिए आंत भी दो प्रकार की, बड़ी आंत और छोटी आंत, जो हमारा आहार नाल होता है उसमें सबसे बड़ा जो अंग होता है वो कौन सा होता है, हमारा छोटी आंत होती है। अगला बात करेंगे इससे हमारा जो परजीवी इसमें रहता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका होता है, जो क्या होता है पेचिस के लिए क्या होता है, लाइबल होता है, जो बीमारी होती है इसी परजीवी की वजह से होती है, इसमें कोई वाहक मच्छर नहीं रहेगा। अगला और लास्ट हम बात करेंगे काला जार इसको साथ में बोला जाता है। इसमें जो हमारा अस्थि मज्जा रहता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, तो वो हमारा प्रभावित अंग होता है। और इसमें जो हमारा परजीवी रहता है वो क्या है, लिस्मैनिया परजीवी, जिस वजह से क्या होता है ये बीमारी होती है। अच्छा, इसमें कौन सी मक्खी रहती है, बालू मक्खी। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो हमने क्या क्या खत्म कर लिया, हमने बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ और फंगस द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होने वाले रोग थे उनके बारे में, उनसे प्रभावित अंग और उनके जो वाहक थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो कल हम क्या करेंगे, इनकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में आए हुए हैं उनको हम करेंगे। तो इनको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर। जय हिंद।